Assalamu Alaikum and welcome everyone to the International Handball Federation Week. Today is our last lecture of handball coaching course and for the last lecture we have Dr. Asad Abbas with us who is from the Medical Commission of Pakistan Olympic Association. He is here to talk about sports injuries and doping. And after his lecture there is going to be a welcome address by our guest of honor. So let's begin with our lecture. बिसम रहीम पाकिस्तान हैंडबॉल फेडरेशन के प्रेजिडेंट जनाब हाजी शफीक साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतना खूबसूरत और इतना जामे आपके लिए कोर्स अरेंज किया आप सब नाजरीन को मेरा सलाम मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैद आरिफ हसन साहब का जो प्रेजिडेंट है पाकिस्तान ओलम्पिक एसोसिएशन के उनकी वी रही है कि हम अपने एथलीट्स को बेहतरीन नॉलेज ट्रांसमिट करें और उनसे एक्सपेक्टेशन उनकी ये है कि वो उन पर अमल करें जो मेरी छोटी मोटी गुफ्तु होगी वो स्पोर्ट्स इंजरी से बचा कैसे जा सकता है आम सादा जुबान में कहते हैं जी कि चोट लगना खिलाड़ी का एक जेवर है तो चोट से किस तरह बचा जा सकता है इसके क्या तरीकाकार होना चाहिए इसमें क्या एहतियात बरतनी चाहिए क्या प्रिवेंटिव मैयर्स होने चाहिए क्या डाइट लेनी चाहिए किस किस्म का वार्म करना चाहिए ये सारी चीज़ें हम छोटे छोटे आसान फैम तरीके से आपको आ, बताएंगे और उनकी तफसील आपके साथ फिर कभी भी डिस्कस भी की जा सकती है जो खिलाड़ी है उसकी चोट को सबसे पहले आपने एसेस करना है कि उसका इंसिडेंस किस तरह हुआ आम चोटें जो सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों को हम डॉक्टर्स जो हैं स्पोर्ट्स के वो समझते हैं वो मसल या सॉफ्ट टिश्यू की इंजरीज हैं ये वो इंजरीज़ हैं जिनको ट्रीट होने में क्योर होने में ज़्यादा टाइम लगता है और ये खिलाड़ी की परफॉर्मेंस में बहुत बड़ी रुकावट बन सकती हैं ना सिर्फ टीम इवेंट में अगर एक खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है तो सारी टीम जो है वो सफ़र करती है तो आज की बातें बताने का मकसद ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन दो चार पांच बातों पे आपने फोकस करना है ताकि आप जब गेम में जाएं प्रैक्टिस में जाएं ट्रेनिंग में जाएं खेलने के लिए किसी बड़े इवेंट में जाएं तो आप इंजरी से बचे रहें जब सबसे पहले इंजरी आपको होती है तो उसमें आपने सबसे पहले देखना है कि उसकी वजह क्या है अगर आपका पाँव मुड़ा है तो कितना मुड़ा है और अंदर की तरफ मुड़ा है बाहर की तरफ अगर बाजू पे इंजरी आई है तो वो किस तरह आई है इसमें देखना ये होता है कि उसकी एक्सटेंड कितनी है और वो कितनी ज़्यादा सवियर है फिर हम जो आम हमारा फार्मूला है प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज का उसको देखते हैं उसके देखने में हम ये करते ये हैं कि हम राइस का फार्मूला जो इंटरनेशनली एक्लेम्ड है वो आपको पता होना चाहिए यानी आर आई सी ई आर फॉर रेस्ट आई फॉर आइसिंग सी फॉर कंप्रेशन एंड ई फॉर एलिवेशन जहाँ चोट लगे वहाँ सेक नहीं करना बर्फ़ की टकोर करनी है और बर्फ़ को अच्छी तरह ढाँप के टकोर करनी है पाँच से सात मिनट दस मिनट डिपेंड करता है कि आपकी सेवेलिटी कितनी है फिर उसको रिपीटडली दिन में दो तीन दफ़ा करें और तीन दिन लगातार आप इसको मुख्तलफ की आइसिंग कर सकते हैं उस एरिया पर कोशिश ये करनी है कि उसके बाद जब आइसिंग कर रहे हों जब आपकी स्किन सुन हो जाए नाम हो जाए तो उस वक्त रोक दें आइसिंग को उठा लें बर्फ़ को और फिर दोबारा से रखें जब उसमें दोबारा हसास हसासियत डेवलप होनी शुरू हो फिर उसको कंप्रेस करना मतलब उसके ऊपर पट्टी लपेट देना मकसद ये होता है कि आपने जिस एरिए पे चोट लगी है उसको बचाना है किस तरह वो जल्दी रिकवर तब करेगा जब उस हिस्से पे स्वेलिंग नहीं आएगी और स्वेलिंग जो है या सूजन जो है वो आपकी इंजरी को प्रोलांग कर देती है लटका देती है तो आपने उस स्वेलिंग को कम करने के लिए उसके ऊपर दोबारा बैंडेज करनी है आइसिंग के बाद क्रेप बैंडेज होती है और मुख्तु किस्म की बैंडज़ेज़ मिल जाती हैं या मुख्तफ़ किस्म के एंकलेट्स हैं जो आप एंकल पर पहनते हैं मुख्तलि किस्म की एल्बो ब्रेस है आपकी रिस्ट ब्रेस है अगर आपको आ, अपनी कलाई पे कहीं इंजरी आती है तो वहाँ पे आप वो ब्रेसिज़ भी पहन सकते हैं लेकिन सबसे बेहतर ये है कि कंप्रेशन बैंडेज दे दें दे उस जगह को अच्छी तरह बांध फिर ई फॉर एलिवेशन उसको उस हिस्से को अगर पाओं पे चोट लगी है तो पाँव को किसी टेबल के ऊपर सामने उसके ऊपर रख दें ताकि एलिवेटेड हो और वो आपकी स्वेलिंग आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो जाएगी ये तो हो गया कि आपने राइस का फार्मूला अप्लाई करना है इसके अलावा जो फैक्टर्स हैं रिस्क फैक्टर्स हैं एक इंजरी के वो दो किस्म के हैं एक मॉडिफाइएबल हैं एक नॉन मॉडिफाइएबल एक्सट्रेंजिक फैक्टर है और इंट्रेंजिक फैक्टर है जो इंट्रेंजिक फैक्टर्स हैं वो मॉडिफाइएबल है और नॉन मॉडिफाइएबल है और एक्स्ट्रेंजिक फैक्टर्स जो हैं ये एथलीट के साथ रिलेटेड नहीं इसमें मसलन इन्वायरमेंट है जो नॉन मॉडिफाइएबल हैं इंटरेंजिक फैक्टर्स उसमें एज है अगर यंग प्लेयर होगा तो उसको इंजरी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है प्यूबर्टी की एज तक बलूगत की उम्र तक मस लड़कियों में तेरह चौदह साल की उम्र से पहले और लड़कों में सत्रह अठारह साल की उम्र से पहले जो इनकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो ज़्यादा होगी उनकी बॉडी में कुदरती तौर पे एंडोरेंस ज़्यादा होगी बच्चे बहुत जल्दी थकते नहीं हैं अगर वो बीमार ना हो इसी तरह जो बच्चियाँ हैं उनमें भी फ्लैक्सीबिलिटी इस उम्र तक ज़्यादा रहती है तो वो इंजरी से बच सकते हैं फिर जेंडर है मेल या फीमेल इनमें भी डिस्क्रिमिनेशन है इंजरीज के हवाले से फिर एथनिसिटी आप किस एथनिक ग्रुप से ताल्लुक़ है आप गोरे हैं काले हैं एशियन हैं अफ्रीकन है यूरोपियन है, है कोकेशियन है हैं ब्लैक है। जो भी हैं आप आपकी एक्सटेंट ऑफ इंजरी और आपके अंदर इंजरी होने का अंदेशा इन मुख्तलिफ नस्लों के हिसाब से मुख्तफ होगा फिर जेनेटिक्स है जेनेटिक मेकअप आप देख लें कि पहलवान का बेटा अगर तीन नस्लों से पहलवान चलते आ रहे हैं तो वो उनमें कुदरती तौर पे सलाहियत होती है कि वो पहलवानी की तरफ जाते हैं मशान ईरान सबसे पहले पहलवानी की तरफ आया था और पहलवानी को इंट्रोड्यूस ईरान ने करवाया आज तक उनमें कुदरती तौर पर रेसलर्स जो पैदा हो रहे हैं वो ज़्यादा है इसी तरह मैराथन रनर्स अफ्रीकन्स में ज़्यादा है आप अफ्रीका चले जाएँ आपको जो उनके आज भी जंगली जो रहते हैं जो जंगलात में रहते हैं जो वो इतना लंबी ड्यूरेशन के लिए और लंबे मैराथन लगा सकते हैं उन्हीं की नस्ल में से जो भी आते हैं वो मैराथन अमूमन वो विन करते हैं दूसरे इंटेंजिक फैक्टर्स जो है वो मॉडिफाइबल हैं मसल मसल स्ट्रेंथ है ये आप बढ़ा सकते हैं अपनी हिम्मत के साथ एक्सरसाइज के साथ जिम ट्रेनिंग के साथ फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं यानी आप मुख्तु किस्म की स्ट्रेचिंग बार बार करेंगे तो आपका वो एरिया जो स्टिफ है कुछ प्लेयर्स जो हैं वो अपना जब बैठ के अपने पाँव को हाथ लगाते हैं विद एक्सटेंडेड ली अपनी लेग्स तो उनके पाँव जो है वो पंजों तक हाथ जो है वो पंजों तक नहीं जाते उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है ट्रंकल फ्लेक्सिबिलिटी से कहते हैं तो इसको बेहतर बनाने के लिए मुख्तु किस्म की एक्सरसाइजेज हैं वो करते हैं तो उससे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाती है और जो जो जू फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाती है आपके चांसेस जो हैं इंजरी लेने के इंजर्ड होने के मसल स्ट्रेन लेने के खुदा न खासा डिस्क के कोई ये कम हो जाते हैं फिर स्किल लेवल है। आप कितनी महारत रखते हैं उस गेम में अगर आप माहिर हैं गेम खेलने में तो आपको इंजरी कम होगी अगर आप आ, महारत नहीं रखते और आप वैसे ही कोर्ट में चले जाते हैं तो आपको इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं और फिर जनरलाइज हेल्थ है आपकी हेल्थ अगर आपकी बेहतर होगी तो ओवरऑल एक्सटेंसिक फैक्टर्स जो हैं उसमें ट्रेनिंग बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आप ट्रेनिंग अगर अच्छी करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप अच्छी ट्रेनिंग नहीं करते तो इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होंगे फिर इसी तरह न्यूट्रिशन है खुराक है फिर इक्विपमेंट है जो आप यूज़ करते हैं मसलन आपके फुटवेयर हैं आपके ग्लव्स हैं आपकी बॉडी की जो आप पहनते हैं किट पहनते हैं, वो किस तरह की है ये सारे फैक्टर्स हैं जो इंजरी में आपको या बचा सकते हैं या अगर नामुनासिब है तो आपको ज़्यादा इंजरी भी कर सकते हैं फिर एनवायरनमेंट है कि आप किस एनवायरनमेंट में खेल रहे हैं रड़े पे, रहे हैं, पे खेल रहे हैं आप ग्राउंड पे, है पे खेल रहे हैं आप सरफेस पे खेल रहे हैं आप प्रॉपर सिंथेटिक जो पिच है उस पर खेल रहे हैं आप इनडोर खेल रहे हैं आप आउटडोर खेल रहे हैं आप ठंडी इन्वायरमेंट में खेल रहे हैं बहुत गर्म इन्वायरमेंट में खेल रहे हैं ये सारे फैक्टर्स आपकी इंजरी के साथ रिलेटेड है जो फैक्टर जो इंजरी से बचने का चोट से बचने का सबसे बेहतरीन जो चार पांच छः फार्मूलाज हैं वो मैं अब आप आपको बता देता हूँ वो ये हैं कि आप आ, अच्छा वार्म अप करें स्ट्रेचिंग करें टेपिंग और ब्रेसिंग का बहुत रोल है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है यानी आप जो पहनते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं फिर अप्र ट्रेनिंग है साइकोलॉजी आपकी नफसियात बहुत मैटर करती है न्यूट्रिशन एंड कूलिंग डाउन है मैं बहुत तफसी से बता दिया होगा मैं सिर्फ दो तीन दो मिनट में आपको बता देता हूँ कि वार्म वो एक्सरसाइज है जो आप स्पोर्ट से पहले करते हैं आप ट्रेनिंग करने जा रहे हैं तो उससे पहले जो एक्सरसाइज आप करेंगे वो वार्म कहलाएगी उसमें आप रनिंग जॉगिंग करते हैं आप स्ट्रेचिंग करते हैं आप करते हैं आप मुख्तफ किस्म की ब्लास्टिक एक्सरसाइजेस करते हैं वो सारी वार्मअप में आती हैं इसी तरह स्पेसिफिक एक्सरसाइज करते हैं मसलन जो गोल कीपर है वो अपनी हिसाब से स्ट्रेचिंग करेगा और अपने हिसाब से ट्रेनिंग करेगा इसी तरह बाकी जो प्लेयर्स हैं वो अपने हिसाब से ट्रेनिंग करेंगे तो ये स्पोर्ट स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस हो जाती हैं यानी आप जिस सरफेस पे आपने जाना है उस सरफेस के ऊपर जब तक आप वार्म उसी पे करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है वैसे जनरली प्रिंसिपल ये है कि आप पाँच से सात मिनट या दस मिनट की जॉगिंग करें गर्मियों में वार्म अप वार्म अप का मतलब ये है कि आपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को एक डिग्री राइज करना है तो गर्मियों में एक डिग्री राइज करना जल्दी आसान हो जाता है और ये जल्दी भी हो जाता है तो उसमें यह है कि आप अगर सिर्फ दस से बारह मिनट का वार्म अप करेंगे तो आपकी बॉडी वार्म अप हो जाएगी सर्दियों में ये टाइम सिर्फ तीन से चार मिनट पाँच मिनट और सम टाइम अगर ब्लो जीरो टेम्परेचर है तो आपको पंद्रह मिनट भी आ, करने चाहिए ताकि पूरी बॉडी वार्म अप हो जाए वार्म के क्या फायदे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि इससे आपका एक तो रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाता है आपका रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा तो उससे स्टिफनेस कम हो जाएगी मसल्स की स्टिफनेस कम होगी तो आपकी डेफिनेटली जो ससेप्टिबिलिटी टू इंजरीज है वो कम होती जाएगी फिर इंक्रीज कार्डियोवेस्कुलर रिस्पॉन्स टू स्टर्नस एक्सरसाइज आप एकदम एकदम थ्रस्ट मारते हैं गेम के दौरान और स्टार्ट में ही सम टाइम ये होता है कि आपका ओपोनेंट इतना क्विक और इतना स्विफ्ट होता है और इतना एग्रेसिव होता है मतलब इंडिया के साथ हमारे मैचेस इस तरह होते हैं कि वो आते ही चढ़ाई करने की कोशिश करते हैं या आप उन पर चढ़ाई करने की कोशिश करते हैं तो एकदम आप जो प्लेयर थ्रस्ट मारता है उसके लिए दिल को भी तैयार करना है आपने तो वार्म में आपने सर से लेके कर तक हर चीज़ को तैयार करना है वो रेडी रहे और किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए वो तैयार रहे ताकि कोई किसी किस्म का नुकसान ना हो इसी तरह बहुत सारी ऐसी मिसालें हमारे हॉकी के एक मुनबर जुमान साहब होते थे वो ग्राउंड की साइड पे बैठे हुए चाय पी रहे थे और सामने गेम चल रही थी तो वो कोचिंग के लिए बैठे हुए थे तो अचानक उन्होंने एकदम एक प्लेयर को शाउट किया कि तुम इस तरह क्यों कर रहे हो मैं बताता हूँ तुम भागते हुए ग्राउंड में गए अचानक तो वहीं गिर गए और पता चला जी सडन काटे अरेस्ट हो गया तो अगर खुदा न खास्ता आप एकदम हार्ट पे लोड डालें तो इस किस्म की सिचुएशन भी एक लाख में से एक बंदे को हो सकती है फिर मसल स्ट्रेच जो है आप स्ट्रैच जब करते हैं तो एक ख़ास लिमिट के बाद आपको थोड़ी सी दर्द महसूस होती है खिंचाव महसूस होता है ये आपका मैक्सिमम स्ट्रेच लेवल होता है आपकी मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी होती है अगर आप प्रॉपर वार्म अप होंगे आपकी बॉडी अगर आउट स्ट्रेच भी करती पाओ अगर खिसक भी जाता है हाथ कहीं झटका भी लग जाता है तो अगर आपने प्रॉपर वार्म अप किया तो उस एरिया में इंजरी नहीं होगी स्ट्रेचिंग के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि स्ट्रेचिंग जो है वो एक प्लेयर के लिए और उसकी इंजरी प्रिवेंशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी ये उतनी ही ज़रूरी है जितनी एक इंसान के लिए उसकी खुराक या उसका सांस लेना है तो जो अच्छे प्लेयर हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे जो जिन्होंने एक्सेल करना है जो चैंपियन बनना चाहते हैं उनको चाहिए कि वो कैंप के दौरान और ऑफ कैंप आपका जो घर में पीरियड गुजरता है आपका ट्रेनिंग में पीरियड गुजरता है आपका बाकी जो घर के मुख्तु अवत में या फारे अवात में जो रहते हैं उसमें भी स्ट्रैच ज़रूर किया करें और दिन में दो या दो से तीन दफा स्ट्रेच करें इससे सारी बॉडी की स्ट्रेचिंग करने से ये एडवांटेज होगा कि एक तो आपके मसल्स जो हैं वो सोर नहीं होंगे आहिस्ता आहिस्ता आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी और आपकी जो इंजरी की टेंडेंसी है वो कम होती जाएगी खुराक या न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में जो मेन फ्यूल सोर्स है वो है आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन या ग्लूकोज ये आपकी बॉडी में जाएगी जब आप अच्छी खुराक लेंगे आम जो हम खुराक लेते हैं उसमें 60 परसेंटो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तकरीबन 10 परसेंट प्रोटीन्स होती हैं बाकी 25 परसेंट तकरीबन फैट्स होते हैं प्लेयर के लिए ये अलाउंस मुख्तलिफ है प्लेयर को 70 परसेंट कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स आपको वो एनर्जी देता है जिस तरह हाई ऑक्टेन गाड़ी में डलवा लें और आप उसको जब थ्रस्ट मारेंगे तो वो गाड़ी पूरी फ्लो के साथ चलेगी वो आपको कार्बोहाइड्रेट्स देने कार्बोहाइड्रेट्स होते किस में मसलन आटे से बनी हुई जितनी भी चीज़ें रोटी है आप रोटी खाते हैं तो वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी आपको वहाँ से मिलेगी इसी तरह चावल हैं वो आपको एनर्जी देते हैं इसी तरह मैदे की सारी बेकरी आइटम्स देख लें आप मसलन नान है डबल रोटी है बेकरी के जितने भी आइटम्स हैं वो सारे मैदे से बनते हैं इस तरह सूजी की चीज़ें हैं मीठे मशरूबात जिनमें ग्लूकोज मिक्स होता है ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं इस तरह फ्रूट्स में आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं फिर जो सब्जियों में बेहतरीन सोर्स है वो पोटैटोज है वो आपको आलू से मिलते हैं तो बिफोर इवेंट आप अगर एक केला खा लें या आधा आलू बॉयल्ड खा लें एक एवरेज साइज़ का तो आपके अंदर इतनी एनर्जी वो दे देगा कि वो आप आपकी तकरीबन कोई आधा घंटा आपकी बॉडी में वो आपको हेल्प आउट करेगी इसी तरह आप नंबर टू है फैट्स तो फैट्स जो है वो दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी है जब आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स ख़त्म हो जाते हैं तो बॉडी ऑटोमेटिकली फैट्स पे चली जाती है वहाँ उस पर इन्हसार करने लग जाती है फैट्स ऑयल्स में है सारी डेयरी प्रोडक्ट्स में है आपको आ, एनिमल जो चर्बी है उसमें बीफ के साथ मटन के साथ इवन अब तो चिकन के साथ भी आपको फैट्स मिलती हैं तो ये फैट्स वो हैं जो आपको एक सोर्स देती हैं एक फ्यूल देती हैं एक एनर्जी देती हैं ये भी आपके साथ साथ लेना है फिर तीसरे नंबर पे आ जाती प्रोटीन जो प्रोटीन हम लेते हैं उसमें गोश्त है गोश्त की रेड मीट है वाइट मीट है फिर जो आप अंडे इस्तेमाल करते हैं पोल्ट्री के वो भी हैं तो ये जो सोर्सेज हैं ये आपकी बॉडी में ना सिर्फ जो प्रोटीन्स हैं दालों में हैं जो प्रोटीन्स आपको देती हैं सोर्स वो आपकी बॉडी में रिपेयर का काम करती हैं जो मसल इंजर्ड हुआ जो मसल जो टिश्यू रपच्चर हुआ उसकी रिपेयर के लिए जो काम करेगी चीज़ वो आपकी प्रोटीन है या ऑक्सिलरी या एनर्जी जो एंड पे आपको एनर्जी चाहिए वो इस पर आपको मिलती है यानी मैराथन रनर्स को आप देखें तो बड़े स्लिम थिन, लीन, स्किन की तरह बिल्कुल ढांचे की तरह आपको नजर आते हैं अक्सरियत मैराथन रनर्स क्योंकि उनकी एनर्जी पहले कार्बोहाइड्रेट्स पर रहती है फिर उसके बाद फैट्स पे चली जाती है फिर उसके बाद एंड पे प्रोटीन पे चली जाती है तो प्रोटीन लॉस भी होता है आपके मसल जो है वो डिस्ट्रॉय भी होते हैं बेनिफिट्स के बारे में कूल डाउन के बारे में आपको बता दूं कि कूल डाउन वो एक्सरसाइजेस जो आपके गेम के बाद करनी है ये इतनी ये बल्कि ज्यादा जरूरी है ये आपकी वार्म से ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी इसलिए हैं कि जो आप एक्सरसाइज करते हैं आप जितनी भी गेम में आपकी जो आपका मेटाबॉलिज़्म है बॉडी का जो मशीनरी चल रही है वो इस तेज़ी से चल रही होती है कि अगर उसको फौरी तौर पे रोक दें तो बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं मसलन नंबर वन जो आपके टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं जो आपके जहरीले मादे हैं बॉडी में वो बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि कूल डाउन आहिस्ता आहिस्ता करना है आपने और अगर आप पाँच सात मिनट दस मिनट का वार्म अप करते हैं ये पंद्रह बीस मिनट का कूल cool डाउन करना है आपने उसमें हल्की हल्की जॉगिंग है आपने उससे एडवांटेज ये होगा कि उसमें स्वेट आउट होंगे आपकी वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल जाएंगी फिर बॉडी एनर्जी जब पैदा कर रही होती है तो वो स्टोर भी हो रही होती है वो जब स्टोरेज होगी उसकी तो वो आपके अंदर मसल्स में और लिवर में स्टोर होगी एज अ ग्लाइकोजन ये आपके अंदर जो स्टोर हैं ये भरते जाएंगे अगर आप अच्छा कूल डाउन करेंगे अगले दिन अगर आपका मैच है तो एक दिन पहले किया हुआ कूल डाउन वो आपको डेफिनेटली उतना फ़ायदा देगा जितना आपकी चार पांच घंटे की नींद और दो मील्स हैं उतना फ़ायदा ज़रूर देगा तो इसको आपने ज़रूर अपने जो जो है आपकी एक्सरसाइज जो आपकी डेली रूटीन है उसका साथ हिस्सा बनाना टेपिंग एंड ब्रेसिंग ये क्या चीज़ है आपने रंग बिरंगी टेपें देखी होंगी मुखलिफ प्लेयर्स ने जॉइंट्स के ऊपर लगाई हुई हैं मसल्स के ऊपर लगाई हुई हैं उनका मकसद क्या है उनका मकसद ये होता है कि आपने वो टेप उस एरिया को करना है जो आपका इंजर्ड है और या दूसरी सूरत में प्रोटेक्शन के लिए करना है तो इंजर्ड एरिया को जब आप टेप कर देते हैं तो वो अनडिज़ायरेबल जो एक ख़ास रेंज में आपको इस किसी जोड़ में दर्द हो रही है तो उस रेंज से बचाने के लिए वो टेप आपको लगाई जाती है उसका फ़ायदा ये होता है कि वो इस रेंज से पहले पहले रोक देती है जोड़ को और जोड़ उस लिमिट तक नहीं जाता और आपकी इंजरी बढ़ती नहीं है फिर प्रोटेक्टिव टेपिंग उन प्लेयर्स में जिस तरह आप माशाल्लाह फ्लोर्स पे भागते हैं तो आप सबको चाहिए कि आप एंकल की टेपिंग ज़रूर किया करें क्योंकि अगर इन्वर्जन इंजरी हो जाए या स्प्रेन आ जाए एंकल का तो आपका कम से कम एक हफ्ता तो गया और उसके बाद अगर हैवी किस्म का स्ट्रेन है कोई एवल्शन हो गई खुदा ना खास्ता कोई लेगामेंट आपका रपच्चर हो गया तो दो तीन हफ्ते चार हफ्ते ये सम टाइम दो तीन महीने भी ले जाता है तो प्रोटेक्टिव टेपिंग भी साथ करें इसके अलावा जब हम ट्रीट कर रहे होते हैं पेशेंट को तो उस, उससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी आपके स्वेट रेट कम हो जाएगा आपकी इंजरी के चांसेस कम हो जाएंगे इसी तरह सर्दियों में अगर आप गर्म पहनेंगे तो आपको फ्रॉस्ट बाइट नहीं होगी आपके मसल्स होने नहीं होगी आपकी इंजरी के चांसेस कम हो जाएंगे इसी तरह हेलमेट पहनने से जो डैमेजेस पहले होते थे मतलब बहुत सारे हमारे ऐसे बैट्समैन हैं क्रिकेट के जिनकी आँखें ज़ाया हुई बॉल लगने से जिनके सर फटे एक प्लेयर बल्कि दो तीन प्लेयर्स की आज तक डेथ भी हो चुकी है बॉल लगने से तो ये प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपको इंजरी से बचाता है इसी तरह पुराने हॉकी के जितने भी प्लेयर्स हैं उनके फ्रंट के दांत टूटे होंगे आपको वो बॉल लगने से या स्टिक लगने से टूट जाते हैं तो वो एक ख़ास किस्म का माउथ गार्ड मिलता है वो पहन के रखते हैं आजकल के प्लेयर्स ताकि उनके डेंचर्स जो हैं वो महफूज रहे इसी तरह जो आप ग्लव्स पहनते हैं हाथों के ऊपर और आजकल तो वैसे भी कोरोना की वजह से हमें सबको अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो अच्छे ग्लव्स पहन के रखें ताकि एक तो हाथ बार बार ना धोना पड़े आप गेम आप जिम कर रहे हैं आप ट्रेनिंग कर रहे हैं आप गेम कर रहे हैं वो ग्लव्स आप बाद में उतार के उनको डिस्ट्रॉय कर दें फिफ्टी सिक्सटी परसेंट आपकी प्रोटेक्शन हो जाती है इसके अलावा जो आपकी जो बाकी चीज़ें हैं प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में वो आपकी जो चेस्ट गार्ड्स होते हैं गोल कीपर्स के वो जो हार्ड बॉल्स के साथ खेलते हैं उन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ जो हैंडबॉल के हैं प्लेयर्स उनमें तो क्योंकि बॉल क्योंकि सॉफ्ट है तो मैंने बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं देखा कि बॉल की वजह से कोई बहुत बड़ी इंजरी हुई हो लेकिन हो भी सकती है और सबसे ज़्यादा ससप्टेबिलिटी जो है वो होती है गोलकीपर को तो उसमें ये है कि वो अगर कोई अच्छा प्रोटेक्टिव गेयर इस्तेमाल करता है तो शायद वो पैसके लेकिन इसमें अलाव नहीं है लेकिन बाकी जितने भी गेम्स हैं और बाकी जितने भी इवेंट्स हैं उनमें प्रोटेक्टिव गेयर्स जो हैं वो अलाउ करती है आई और वही इस्तेमाल किए जा सकते एक्वेंट, सूटेबल इक्विपमेंट जो है वो आपकी आपको इंजरी से बचाता है मसलन हम कहते हैं जी कि प्लेयर की सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो उसका फुटवेयर है शूज़ है गाड़ी दस करोड़ की हो टायर फटे हों तो वो ज़ीरो है इसी तरह प्लेयर की जो फुटवेयर है वो प्रॉपर होना चाहिए अगर फुटबॉल का प्लेयर आम रनिंग शूज़ पहनेगा तो वो किक मारेगा तो अगले पंजों पे चोट आ जाएगी उंगलियां टूटने का अंदेशा हो सकता है उसको वो स्टड्स ही पहनने चाहिए इसी तरह जो हैंडबॉल के प्लेयर्स हैं आप जिस सरफेस पे भागते हैं आपकी स्पेसिफ़िक शूज़ होने चाहिए उसके अलावा पहनेंगे तो पाँव स्लिप होने का अंदेशा है आपकी पाँव की इंजरी हो सकती है इसी तरह हॉकी में चूंकि वाटर सरफेस होती है तो उसमें स्पेसिफिक उस किस्म के ग्रिपर्स इस्तेमाल किए जाते हैं अगर आम जॉगिंग शूज़ से प्लेयर भागेगा तो वो पाँव मुड़ने का अंदेशा है इंजरी होने का अंदेशा है नी की इंजरी पाँव फंस जाता है नी की इंजरी हो सकती है इसी तरह क्रिकेट का जो प्लेयर है वो भी ख़ास किस्म के शूज़ पहन के स्पाइक्स पहन के खेलता है और ख़ास तौर पे जो बॉलर्स हैं फास्ट बॉलर उनको स्पाइक्स पहनने पड़ते हैं ताकि पाँव की ग्रिप ठीक रहे तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इसके अलावा जो आपकी अपनी हाइट और अपनी जो बॉडी वेट है उस हिसाब से इक्विपमेंट बनते हैं मसलन बड़े रैकेट से अगर बच्चा खेलेगा तो उसमें इंजरी होने का अंदेशा है इसी तरह जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए छोटे बैट बनाए जाते हैं छोटे रैकेट बनाए जाते हैं बच्चों के लिए जो आप ग्राउंड भी तैयार करते हैं वो भी थोड़ी सी डायमेंशन उसकी चेंज कर देते हैं अगर बहुत छोटे बच्चे हैं ताकि उनका इंटरेस्ट रहे और वो फ्रस्ट्रेट ना हो और अगर खुदा खास्ता आपका इक्विपमेंट ख़राब है आपके शूज़ ख़राब हैं आपका रैकेट खराब है आपके बॉल खराब है तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है इसके अलावा एनवायरमेंटल uh, फैक्टर्स हैं बहुत सख्त सर्दी और बहुत शदीद गर्मी ये इस दोनों में जो इंजरीज़ बढ़ने का अंदेशा सौ फीसद ज़्यादा हो जाता है यानी माइनस टेम्परेचर है अब माइनस टेम्परेचर में जब आप किसी किस्म की एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी को पहले वार्म अप होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और मसल स्टिफ होंगे सर्कुलेशन आपकी बॉडी की उतनी ज़्यादा नहीं होगी उन एरियाज़ में जहाँ पे आपको ज़रूरत है ब्लड की तो वहाँ पे इंजरी होने का अंदेशा बढ़ जाता है इसी तरह बहुत ज़्यादा हॉट एनवायरनमेंट में आपको मसल क्रैम्प्स आ जाते हैं मसल पुल हो जाते हैं मसल प्लेयर भागते भागते हेमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो जाता है पुल हो जाता है वो पानी की कमी एक्सट्रीम गर्मी की वजह से भी हो सकता तो ऐसी कंडीशन जिसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रीम वैदर हो खास किस्म के इक्वमेंट का इस्तेमाल ज़रूरी है अगर बहुत ज़्यादा सख्त सर्दी है तो आप वार्म कम से कम इतना ज़रूर करें अगर माइनस टेम्परेचर भी है कि आपके माथे पर थोड़ा थोड़ा पसीना ज़रूर आए ताकि आपकी बॉडी जो है उसमें ये इंडिकेशन है कि ये बॉडी वार्म अप हो गई है इसी तरह कूल cool डाउन ज़रूर करें जिस तरह मैंने पहले आपको बताया ये एक्सट्रीम वेदर्स में प्लेयर को पता होना चाहिए कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हीट प्रोस्ट्रेशन क्या है हीट प्रोस्टेशन में आपकी बॉडी में से चूँकि सेल्स डेड होने शुरू हो जाते हैं और वो एक इमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है तो ये प्लेयर को पता होना चाहिए कि वो कंडीशन कब आ रही है और किसी प्लेयर की अगर आ जाती है तो उसको किस तरह मैनेज करना है उसको पानी में रखना है उसको बर्फ़ रखनी है उसकी बॉडी को टेम्परेचर को लो डाउन करना है इसी तरह जो बहुत ज़्यादा सर्दी है उसमें फ्रॉस्ट बाइट होती है मसलन आपके जो एक्सट्रीमिटीज़ है नाक की टिप है यहाँ पे उंगलियों के जो एजेस हैं पो, पोटे हैं पाँव की जो उंगलियां हैं सियाचिन पे हमारे जो गाजी और जाते हैं हमारे फ़ौजी माशाल्लाह उनको फ्रॉस्ट बैइट सबसे ज़्यादा होती है यानी वो गेंगरीन हो जाती है उस एरिया में सर्कुलेशन चूँकि नहीं हो रही होती और सर्दी इतनी होती है कि वो एरिया सुन हो जाता है और आपको पेन फील नहीं होती वो एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है इसी तरह नाक की उंगलियां हाथ पाँव उनके काटने पड़ते हैं समटाइम इसी तरह प्लेयर्स में भी ये हो सकता है तो इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे और आप इसको अहमियत देंगे एक्सट्रीम कोल्ड और हॉट वेदर में अपनी बॉडी के कंडीशंस को अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे तो आपको इंजरीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं डोपिंग एक ऐसी टर्म है जो आम एथलीट जितने भी हैं उनको पता है कि डोपिंग होती क्या लेकिन उसके बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके फ़ायदे के लिए वो आज हमने डिस्कस करनी है और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत आसान और सहल जुबान में आपको बताऊँ कि डोपिंग होती क्या है डोपिंग की हिस्ट्री उतनी ही पुरानी है जितनी इंसान जितना पुराना है आलमोस्ट और जो पुरानी जंगें होती थी उसमें जो फौजियों को चीज़ें दी जाती थी जड़ी बूटियाँ ख़ास तौर पर वो भी डोप डोपिंग के हवाले से आती थी और उसका मकसद ये होता था कि वो अलर्ट रहें उनके अंदर थोड़ी देर के लिए अलर्टनेस आ जाए और वो दुश्मन के वार को अच्छी तरह भाप भी लें और इनके वार जो हैं वो दुश्मन को नुकसान भी दे सकें इसके अलावा जो स्पोर्ट्स की हिस्ट्री है आप बहुत दूर पीछे चले जाएं जब ये ओलंपिक शुरू हुई तब से डोपिंग हो रही है तो लफ्स डोपिंग जो है वो डोपा से निकला है डोपा का मतलब अल्कोहलिक सब्सटेंस है और बेसिकली इसकी डेफिनेशन जो आईओसी करती है वो ये है कि कोई ऐसा सब्सटेंस जो आपकी फिज़िकल परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स में बढ़ा दे उसे डोपिंग कहते हैं डोपिंग के कार क्या हैं वो किस तरह ली जा सकती है डोपिंग किस तरह की जाती है और डोपिंग की सेंक्शनस किस तरह लगती हैं उस पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी प्लेयर का डोपिंग सैंपल अमूमन आपकी जो सैम्पलिंग होती है वो ब्लड से और यूरिन से है ज़्यादातर यूरिन से होती है तो यूरिन का जो सैंपल लेते हैं डोपिंग कंट्रोल ऑफिसर उसमें अगर सब्सटेंस जो डोपिंग कंट्रोल लिस्ट में बैन आइटम्स हैं उनमें आ जाता है तो वो उस पर आपके आपके ऊपर सेंक्शन लग जाती है फिर इसके अलावा आप कोई अटैम्प्ट की कोशिश करते हैं इवन डोप करने की वो भी अब अब नो नीडल पॉलिसी है आपको पता होगा कि बहुत बड़े जो इवेंट हैं उसमें नो नीडल पॉलिसी है तो आप अपने पास सरिज भी नहीं रख सकते फिर इसी तरह अगर आप जो सरकमस्टांसिस दिए हुए हैं जो असूल जबते आई ओ सी ने और वाडा ने बनाए हैं उसके तहत आपके वेयर अबाउट होते हैं वेयर अबाउट फॉर्म्स होते हैं कि आप कहाँ पर रह रहे हैं आप किस जगह रह रहे हैं और आपने जो एलीड एथलीट्स हैं उनका पूरा स्केजल लेते हैं वो कि आप सुबह मॉर्निंग ट्रेनिंग कहाँ करते हैं आप जिम ट्रेनिंग कहाँ करते हैं आप जो अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग है वो कहाँ पे करते हैं सोते किधर हैं ये आपने पूरा एक उनको पूरे साल का एक देना होता है स्केजल वो उस हिसाब से आउट ऑफ कंपटीशन आपका टेस्ट ले सकते हैं तो आप सिर्फ ये टेस्ट जो है ये सिर्फ टूर्नामेंट या इवेंट के दौरान या किसी बड़े इवेंट के दौरान नहीं होंगे ये किसी भी जगह किसी भी प्लेयर का डोपिंग टेस्ट लिया जा सकता है फिर ये है कि अगर कोई रिफ्यूज़ कर दे कि मैं डोप का टेस्ट नहीं दे सकता या नहीं देना चाहता तो उस पर भी सेंक्शन लग जाएगी आपकी जेब में से आपके सामान में से कोई डोपिंग सब्सटेंस अगर निकल आता है एयरपोर्ट पे आप जाते हैं इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो कोई आपके एनाबॉलिक स्टीरोइड्स निकल आते हैं कोई नारकोटिक्स निकल आती है आपके पास तो वो भी डोपिंग की सेंकशनस आप पे उसी तरह लागू होंगी प्लस कुछ मुल्कों में जो आप नार्कोटिक्स लेके जाते हैं उसकी सज़ा बड़ी सख्त है वो सज़ा अलदा भुगतेंगे और उसके अलावा डोपिंग की सेंकशनजा होगी तो ये चार पाँच मोटी चीज़ें हैं जिनको आपने अपने जहन में रखना है कि कोई भी ऐसी कोशिश नहीं करनी जिससे आप अपनी बॉडी के अंदर ऐसा कोई सब्सटेंस यूज़ करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कोशिश करनी चाहिए वो ये है कि आपका जो कंसर्न मेडिकल ऑफिसर है या कंसर्नड मेडिकल प्रोफेशनल है आपके साथ वो आपको तजवीज़ करें मेडिसिन और आप अपने इलाज के लिए किसी स्पोर्ट्स पोजीशन के पास जाएं किसी जो रेकग्नाइज आपका डॉक्टर है रजिस्टर्ड डॉक्टर किसी हकीम वैद या डिस्पेंसर से इलाज मत करवाइए डोपिंग क्यों की जाती है ये एक बड़ा आम सादा सा सवाल है आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे एथलीट्स जो हैं वो डोप करते हैं तो इंटरनेशनल इवेंट्स में जो चैम्पियंस हैं वो बहुत जगह पर पकड़े भी गए हैं साइकिलिंग में आपने देखा होगा कि साइकिलिंग के जो वर्ल्ड चैम्पियन थे वो पकड़े गए फिर इसके अलावा एथलीट्स पकड़े गए बहुत सारा डोपिंग का जो इल्ज़ाम हैं वो मॉडर्न वर्ल्ड में आ रहे हैं वो तो फार्चुनेटली पाकिस्तान में कम है लेकिन हमारे जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो ज़्यादा करते हैं तो ये क्यों करते हैं इसकी बेसिक वजह ये है कि एक तो हमारे प्लेयर को हमारे जो प्लेयर डोप करते हैं उनको ड्रग्स का पता नहीं है इग्नोरेंस है अगर उनको पता हो कि ड्रग्स क्या कर सकती हैं क्या नुकसान देती हैं वो सिर्फ़ फायदा देख रहे होते हैं फिर ये है कि एमेच्योर प्लेयर जो है वो प्रोफेशनल प्लेयर बनना चाहते हैं तो उन उस दौड़ में लग के वो डोप करते हैं डोपिंग मटेरियल इस्तेमाल करते हैं फिर इस तरह जीत की जो बहुत ज़्यादा लगन है या जुनून है उस में बह के उस, उस जज्बात की रो में बह के बहुत सारे लोग जो हैं वो लोग इस्तेमाल करते हैं ऐसी मेडिसन इसी तरह जो मशहूरी के लिए है बहुत ज़्यादा मशहूर होना हमने मस्ट विन करना है जी ये कंपटीशन हमारी ज़िंदगी मौत का मसला है खेल को खेल रहना चाहिए और खिलाड़ी को खिलाड़ी रहना चाहिए आपका काम जंग लड़ना नहीं है खेलना है बस डोपिंग सब्सटेंसेस क्या कौन सी दवाएं ऐसी हैं जो प्रोहिबिटेड लिस्ट पे आती हैं वाडा की और किन को अवॉइड करना है उनमें सबसे पहले स्टिमुलेंट्स हैं स्टिमुलेंट्स हैं फिर एनाबॉलिक स्टीरोड्स हैं फिर उसके बाद हारमोनस हैं फिर उसके बाद आप जो नार्कोटिकर्जिजिक्स इस्तेमाल करते हैं वो हैं फिर उसके बाद आप मुख्तफ किस्म के कई किस्म की आप और चीज़ें इस्तेमाल करते हैं मसलन डरेटिक्स हैं पेशाब अब हैं फिर ब्लड प्रेशर की खास दवाई बीटा ब्लॉकर्स होती हैं जो हार्ट रेट को स्लो डाउन करती हैं ये हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको हम थोड़ी सी तफसील में आपको बता देते हैं कि स्टमोलेंट्स करते क्या हैं और उनके आ, साइड इफेक्ट्स क्या हैं सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं स्टेमुलेंट्स जो हैं ये आपकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं सबसे पहले स्टिमोलेंट इस्तेमाल किस तरह किए जा स्टिमोलेंट सबसे पहले जो इस्तेमाल हुआ था वो कैफ़ीन था जो कॉफ़ी हम इस्तेमाल करते हैं या कॉफ़ी लाइक प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें कैफ़ीन होती है ये आपको अलर्ट कर देती है तो अलर्ट तो रहते हैं आप कुछ देर लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है कि ये भूख को ख़त्म कर देती है इंसामिया करती है यानी आपकी नींद ख़त्म हो जाती है फिर इसके अलावा आपको रेस्टलेस करती है आप बेचैन हो जाते हैं हाई ब्लड प्रेशर इसका और एक साइड इफेक्ट है पेल्पिटेशन हार्ट रेट तेज़ हो जाता है और उसके अलावा आपकी जो एडिक्शन है वो डेवलप हो जाती है कि मैं जब तक कॉफ़ी के चार पाँच कप ना लूँ या कैफ़ीन की टेबलेट ना लूँ मैं खेल नहीं सकूँगा ये बॉडी अडेप्टशन हो जाती है तो ये इस तरह नुकसान देती है इसी तरह और जो नॉर्कॉटिक्स हैं नार्कोटिक्स में आपने देखा होगा कि ख़ास किस्म के इंजेक्शन होते हैं जो हम देते हैं जब एनसीजिया देना हो जब कोई सर्जरी करनी हो जब कोई फ्रैक्चर हुआ हो उस वक्त हम इंजेक्शन देते हैं टेबलेट्स देते हैं ये नारकोटिक्स होती हैं ये आपके दिमाग को माउव कर देती हैं आपकी पेन की सेंसेशन को कम कर देती हैं तो नारकोटिक्स का जो इस्तेमाल करते हैं प्लेयर उनका मेन मकसद ये होता है कि उनकी बॉडी में फटीक कम हो जाए उनकी बॉडी में रेजिस्टेंस जो है वो ऑटोमेटिकली इस दवाई के इस्तेमाल से कम हो जाती है बढ़ती नहीं है वकती तौर तो पे इसका फ़ायदा होता है तो तीसरी है एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स जो हैं वो आपकी जो मसल मैज है उसको बढ़ा देते हैं मसल मैज बढ़ता है आपका हार्ट भी मसल है वो भी इलार्ज कर जाता है आपके वाइटल ऑर्गन्स पे चर्बी इकट्ठी होना शुरू हो जाती है आपकी खून की नालियाँ बंद होनी शुरू हो जाती हैं और आपके अंदर जो सेक्स करेक्टर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं जब अगर फीमेल हारमोन्स इस्तेमाल करती हैं फीमेल तो उनमें चेहरे पर बाल आ जाते हैं उनकी आवाज़ चेंज हो जाती है उनके सर के बाल जो हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं तो इस किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं मेल अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसके भी साइड इफेक्ट्स हैं तो इन सारी चीज़ों का फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा स्टिमुलेंट्स जो हैं उनमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं पहले वक्तों में हमसे पहले जो लोग थे या अब भी शायद यूनिवर्सिटीज़ में कुछ ऐसी बोलियाँ इस्तेमाल होती हैं जिससे आप मैंटली अलर्ट हो जाते हैं पौड्रल इस्तेमाल होती थी तो पौंड्रल जो है वो आपको अलर्ट कर देती है आपको नींद नहीं आने देती ये स्टिमुलेंट्स की खासियत है प्लेयर जब ग्राउंड में जाता है अगर वो अलर्ट रहना चाहता है कुछ देर के लिए तो वो स्टिमुलेंट का इस्तेमाल करता है स्टिमुलेंट से वो अलर्ट तो रहता है लेकिन उसकी जो इंजरी प्रोन होने की टेंडेंसी है वो सौ फीसद बढ़ जाती है फिर इसी तरह इससे साइड इफेक्ट्स में जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि इससे लॉस ऑफ एपीटाइट होती है पिछले वक्तों में पहले दौर में शायद अब भी कुछ डाइट सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जिसमें एम्फेटामस इस्तेमाल की जाती हैं जो आपके वज़न कम करने वाले डाइट सप्लीमेंट्स हैं एम्फेटामस आपकी भूख को कम कर देते हैं अल्टीमेटली आपका वज़न कम हो जाता है लेकिन उससे और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाते हैं तो ये स्टेमेंट्स का साइड इफ़ेक्ट है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है मेडिसिन डोपिंग में वो एनाबॉलिक स्टीरोइड्स हैं डेका डेकाडेराबलिन इंजेक्शन इसके अलावा एनाबॉल डाइनाबॉल इस तरह की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है टेबलेट्स की जो प्लेयर इस्तेमाल करते हैं एज एनाबॉलिक एनाबॉलिक्टरॉयड और वो डोप करते हैं उससे वक्ती तौर पे ये फ़ायदा होता है कि आपके जो मसल मैस है वो इनक्रीज़ करता है आपकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है आपकी बॉडी बल्कि हो जाती है आपकी फ़ैट लेवल कम हो जाती है फिर उसको अब बेहतर करने के लिए वो साथ डायरेटिक लेते हैं ये अमूमन बॉडी बिल्डर्स करते हैं बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स ने जान भी गंवाई इस वजह से उसकी उनकी तस्वीरें भी हैं तो आप देखें इतने खूबसूरत नौजवान जो ट्वेंटीज़ और थर्टीज़ के दरमियान थे वो सिर्फ़ एक छः महीने के पीरियड में कुछ सात के करीब जो बॉडी बिल्डर्स हैं उनकी डेथ हुई तो ये एनाबॉलिक स्टीरॉयड का एक साइड इफेक्ट है एनाबॉलिक स्टीरोयड क्या करते हैं ये आपके मसल भैंस को बढ़ाते हैं आपकी ये इस्तेमाल इसका वहाँ पे है जहाँ पे आपकी बॉडी में टूट फूट ज़्यादा हो रही है मसल हड्डियाँ बुरबरी हो जाती हैं जिनकी जिसको आश्चुप्रोसेस कहते हैं बूढ़े बंदे उनको एनाबोलिक्स एडवाइजेबल हैं कैंसर की कुछ कंडीशन है उसमें एनाबॉलिक एनाबोलिकट एडवाइजेबल हैं ये वैसे नहीं लेना चाहिए तो जब प्लेयर लेते हैं तो वो ख़ुद मरीज भी बन जाते हैं और वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी फैमिली के लिए अपने वतन के लिए बदनामी का बायस बनते हैं इसका नुकसान ये है कि ये आपका वज़न भी बढ़ा देता है आपका हार्ट इलाज करता है आपके लिवर में एब्सेस करता है आपका ब्लड प्रेशर हाई करता है आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं उसका नुकसान होता है फिर उसके अलावा ये आपकी खून की नालियों को तंग कर देता है जिसकी वजह से दिल के दौरे का अंदेशा बढ़ जाता है इसी तरह ब्रेन हेमरेज हो सकता है या फॉलेज हो सकता है तो एनाबॉलिक स्टीरॉइडस यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और प्लेयर्स इसको बड़ी इबादत समझ के कुछ प्लेयर्स इस्तेमाल करते हैं डेफिनेटली हैंडबॉल के मुझे यकीन है जिसरा हाजी साहब की सुपरवीजन है जावेद गिल साहब की सुपरवीजन है ये तो इस्तेमाल नहीं करते होंगे ना ही ये सोचते होंगे मेरट पर सोचना चाहिए और फेयर प्ले होना चाहिए बीटा ब्लॉकर्स या ब्लड प्रेशर की दवाएं जिस तरह इंडराल है टनॉर्मिन है कारविडा है ये सारी बीटा ब्लॉकर्स हैं इनका मेन फंक्शन ये है कि आपके ब्लड प्रेशर को लो डाउन करना ये ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बनी है ये प्लेयर्स के लिए नहीं बनी तो इनका इस्तेमाल भी ममनू है ये इस्तेमाल जो प्लेयर करते हैं वो, वो उन, उन गेम्स में जहाँ आपकी पसन की ज़रूरत है मसलन स्नूकर है तो स्नूकर के प्लेयर की अगर डोपिंग का सैंपल लेंगे लैब में ये जाएगा तमाम टेस्टों के अलावा जो सबसे ज़्यादा फोकस होगा उनका वो बीटा ब्लॉकर्स को चेक करने में होगा इसी तरह आर्चरी है तीरंदाजी अंदाजी उसमें होगा वो बीटा ब्लॉकर्स ले सकते हैं उसमें ये है कि आपकी जो हाथ की ट्रेमर्स हैं जो, जो आपके लर्जा आता है हाथों में आप कोई एम करते हैं तो वही बीटा ब्लॉकर्स उसको करेक्ट कर देते हैं कुछ देर के लिए लेकिन उससे क्या होता है कि हार्ट रेट तेज़ हो जा आपका स्लो डाउन हो जाता है और इवेंचुअली इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो ये हैं कि ये उसमें आपको तो कामयाब कर देगी या राइफ़ल शूटिंग में आपको निशानेबाजी में कामयाब कर देगी लेकिन इसके नुकसान ये हैं कि ये अल्टीमेटली आपकी बॉडी में एक तो हार्ट रेट को स्लो डाउन करती है आपके ब्लड प्रेशर को लो डाउन कर देती है और टाइम ये फैटल का फर्टिलिटी की काज बनती है मौत का बायस भी बन सकती है अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले लें आपका हार्ट रेट बहुत नीचे चल आप नीचे चला जाएगा आपका ब्लड प्रेशर बहुत नीचे चला जाएगा सिनकपी में जा सकते हैं आप आप आ, आ, कनकश उसमें ये है कि आप बेहोश बेहोश भी हो सकते हैं तो इस इन चीज़ों को अवॉइड करना है और ये मना है डोपिंग लिस्ट में इनका नाम है। डायोरेटिक्स जो है ये पेशाब आवर मेडिसन है डायोरेटिक्स आपको मुख्तलिफ नामों से मिलती हैं लासेक्स है स्पायरोमाइड है ये क्या करती हैं कि ये आपकी बॉडी में जितना फ्लूड है ओवर फ्लूड हो गई बॉडी ये फ्लूड को कम कर देती हैं मसल वो मरीज़ जिनका दिल बड़ा हो गया एलार्ज हो गया उनकी दिल की पम्पिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज हो जाती है और अडीमा डेवलप हो जाता है बॉडी के अंदर आपके फेफड़ों के अंदर आपके चेहरे के ऊपर स्वेलिंग टखनों के ऊपर स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है इसी तरह आ, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें डायोरेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है मेन काम डायोरेटिक्स का ये है कि आपकी बॉडी में से एक्सेसिव फ्लूड को निकाल दे अगर आम तंदुरुस्त बंदा लेगा बॉडी फ्लूड निकल जाएगा आपके बॉडी फ्लूड के साथ बहुत सारे ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिन्होंने बॉडी के अंदर मैकेनिज़म को आपके बॉडी के जितने भी मेटाबॉलिज्म हैं उसको मेंटेन करना है उसको चलाना है मसलन पोटाशियम अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आपके अंदर रह जाएगा तो आपका हार्ट ब्लॉक हो सकता है कार्डिक अरेस्ट हो सकता है इसी तरह पोटाशियम अगर कम होगा तो कार्डिक आपकी कार्डिक प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी आपका फेब्रिलेशन डिवेलप हो जाती है इसी तरह बहुत सारे और ट्रेस एलिमेंट्स भी पेशाब के साथ निकल जाते हैं तो ये डायोरेटिक्स का इस्तेमाल अमूमन वजन कम करने के लिए प्लेयर कर जो वेट कैटेगरी के प्लेयर हैं वो ये इस्तेमाल करते हैं और उसका अल्टीमेटली नुकसान ये होता है कि उनकी जो दिल है उसको नुकसान होना शुरू हो जाता है और वो अपनी बॉडी में से फ्लूड तो निकाल लेते हैं उसको रिकवर नहीं कर सकते इसलिए उनसे अच्छा परफॉर्म नहीं हो सकताइटिन तो एक ख़ास सब्सटेंस है जो आपके रेड ब्लड सेल्स बढ़ा देता है ये आपको मुख्तलिफ इंजेक्शन इंजेक्टेबल फॉर्म में आपको मिलता है और ये सबकोटेनियस यानी जल्द के अंदर हम इसको लगाते हैं तो जल्द में लगाते हैं तो ये आपकी बॉडी के आर बी सीज को बढ़ा देता है कुछ प्लेयर जो हैं वो लंबी दौड़ वाले या साइकिलिंग वाले मैराथन वाले ये इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आपने रेड ब्लड सेल से ऑक्सीजन लेनी है तो रेड ब्लड सेल ज़्यादा हो जाते हैं इससे ऑक्सीजन तो मिल जाती है लेकिन इसके अपने नुकसान ये आपके जो ग्लैंड हैं जिन्होंने ये प्रोड्यूस करना है उसको सप्रेस कर देते हैं उसकी ट्यूमर का काज भी बन सकते हैं अगर आप एक्सेसिवली यूज़ करते हैं तो इससे ये है कि आपकी बॉडी का जितना सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब होता है और ये है प्रोहिबिटेड लिस्ट में तो ये आम प्लेयर को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए रेड ब्लड सेल्स अगर आपने बढ़ाने हैं तो हाई अल्टीट्यूड पे चले जाएँ मसलन कागान नारान को लेके चले जाएं आ, हाजी साहब को सब मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी टीम को कभी कभार आप आ, जो आल्टीट्यूड पे सिर्फ फिज़िकल ट्रेनिंग के लिए ले, लेके जाइए किसी बड़े इवेंट से पहले मरी ले जाएं इनको नारान ले जाएं इनको कलाम ले जाएं हाई आल्टीट्यूड पे ये होता है ऑक्सीजन थोड़ी सी कम हो जाती है बॉडी के अंदर आटोमेटिकली अल्लाह तला ने ऐसा निज़ाम रखा है कि ऑक्सीजन कम होगी नेगेटिव फीडबैक मेकनिज़म चलेगा आपकी आर प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और बॉडी की ऑक्सीजनेशन बेहतर हो जाएगी जब आप नीचे आएंगे और अपनी दोबारा ट्रेनिंग शुरू करेंगे तो डेफिनेटली यू विल फील अ डिफरेंस कि आपके लड़कों का स्टेमना भी बेहतर होगा और उनके अंदर परफॉर्मेंस में भी बेहतरी आएगी डोपिंग जो है वो आप समझ लें कि ये जहर कातिल है इसने बेशुमार जिस आपने स्लाइड्स में देखा होगा कि बहुत सारे हमारे एथलीट्स को ना सिर्फ गेम से बाहर किया मोहम्मद आसिफ थे उनसे नार्कोटिक्स निकल आई थी नशा व अद्वियात वो चर्च वगैरह लेके जा रहे थे कहीं वो पकड़े गए उनका करियर ख़राब हुआ इसी तरह आपके जो शेन वॉन है क्रिकेटर उन पे इल्ज़ाम लगा फिर मैराडोना फ़ुटबॉलर हैं ये इस्तेमाल करते रहे फिर इसके अलावा बहुत सारे एथलीट्स और इस्तेमाल करते रहे तो अल्टीमेटली ये होता है कि आपको आपको सारी कौम के सामने पूरी दुनिया के सामने फैंस के सामने शर्मिंदा होना पड़ता फिर आपसे वो जो टाइटल है वो वापस ले लिया जाता है अब डोपिंग का होता क्या है कि डोपिंग जो कंपटीशन के दौरान हो रही होती है वो आपकी जब डोपिंग होगी तो एक नोटिफिकेशन जारी होगा वो ऑड किस्म का होता है या फिर जो टारगेटेड होती है वो मेडल्स के हिसाब से होती है गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल पे किसी एक का वो कर सकते हैं डोपिंग तो वो एक नोटिफिकेशन जारी होता है वो मार्शल्स आपके पास आते हैं वो आके आपको वो देते हैं नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन जब आप साइन कर देते हैं उसके बाद वो आपके साथ ही रहेगा आपके साथ डोपिंग का जो है नुमाइंदा वो साथ साथ रहेगा आपकी गेम ख़त्म हो जाएगी वो साथ रहेगा आपने सिर्फ उस तरफ टाइम पे लिक्विड वगैरह लेना है फिर आप डोपिंग कंट्रोल ऑफिस में जाते हैं वो दो कंटेनर आपके सामने या तीन रखते हैं उसमें से आप एक सिलेक्ट कर लेते हैं उस पर एक नंबर लिखा होता है वो वेरीफाई करते हैं फिर खोलते हैं उसमें दो बॉटल्स निकलती हैं उसमें स्पेसिफाइड अमाउंट आप यूरन का सैंपल आपने देना होता है जो एक कप देते हैं उसमें आप करते हैं फिर ख़ुद आपने उन बॉटल्स में वो यूरन आपने ट्रांसफ़र करना है जो थोड़ा सा यूरन बच जाएगा वो बी बॉटल में और जो मेन यूरन आपका स्पेसिफाइड रिक्वायर्ड है वो ए बॉटल में चला जाएगा ए सैंपल का मतलब होता है कि जो आपने यूरन का सैंपल दिया वो ए बॉटल में से लिया उसमें से जो निकलेगा अगर आपको उस पर एतराज़ है तो फिर बी सैंपल जो उसी यूरन का बाकी हिस्सा है उसको किसी और लैब में वो भिजवा देते हैं वाडा वाले वो फिर उसमें से वो स्पेसिफाइड एलिमेंट्स जो हैं उनको सबसे पहले चेक करते हैं अगर ए सैंपल को आप मान लेते हैं और गलती तस्लीम कर लेते हैं तो शायद उसमें थोड़ी बहुत माफ़ी हो जाए अगर आप बी सैंपल पे आप चैलेंज करते हैं कि मेरे ये यूरन का सैंपल जो है इसमें मैंने ये इस्तेमाल नहीं किया आप चैलेंज करते हैं और अगर बी सैंपल में निकल आए तो उसमें सेक्शनस पड़ जाती हैं तो बजाय सारे बखेड़े में पढ़ने के आपकी कोशिश ही होनी चाहिए आपकी अटमोस्ट कोशिश ये होनी चाहिए कि आप एक वाडा की जो प्रोहिबिटेड लिस्ट है वो आपके पास हो आप वो देखें, वो डिस्कस करें आपके जहन में कोई क्वेश्चन है वो आप किसी वक्त भी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के मेडिकल कमीशन के साथ डिस्कस कर सकते हैं उसमें ये है कि आपकी एक तो बी एन क्लियर होगी आपकी लर्निंग होगी आप ख़ुद भी कल को आप आज एम हैं या प्रोफेशनल प्लेयर हैं कल को आपने आ, कोच बनना है मैनेजर बनना है तो ये सारा नॉलेज आपके अंदर इकट्ठा होता जाएगा और और जब आप एक एज के बाद रिटायर होते हैं तो आप किसी भी प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे आपके पास नॉलेज होगा जो आप ट्रांसमिट कर सकते हैं उम्मीद है आपको समझ आई होगी थैंक यू वेरी मच thank you very much sir for your time and the knowledge you have shared with our participants the information you shared is not only important for the handball players but also for all the other athletes and surely doping is not only morally wrong but also fatal for our health and now moving towards our closing address and for this we have lieutenant general retired sayyid arif hassan who is a president of pakistan olympic association and vice president of olympic council of asia Bismillahir Rahim Mr Muhammad Shafiq the president of the Pakistan Handball Federation and the secretary general of the Asian Handball Federation Mr Javed Iqbal the secretary general of Pakistan Handball Federation organizers of the course dear participants which means all the coaches etc present over here ladies and gentlemen assalamu alaikum on behalf of the pakistan olympic association i would like to congratulate the international handball federation for celebrating the international handball federation week from the 12th to the 18th of july 2020 i would over here really like to appreciate the efforts made by the pakistan handball federation to organize this online courses for their coaches in the prevailing situation when everyone is in a lockdown. and coordinating with the international handball federation in their week in which more than 300 sports fans are watching this course daily. handball is a very popular game in the world. i believe it was ranked as second sports after football. and i believe again that it's over 209 bodies or countries which participate in this particular game congratulations to the international handball federation the pakistan handball federation is doing an excellent job for the promotion and the development of handball not only in pakistan but also at the international level the pakistan handball federation has organized many international uh, tournaments events through the kind courtesy of the International Handball Federation, the South and Central Asian uh, bodies, and other international uh, events in Pakistan during the last 10 years. The Pakistan handball team has proved its worth after winning gold in the last South Asian Games in Nepal in 2019. It's a very, it's a matter of pride for us. That Pakistan is the only Asian country that has always secured a medal in the beach handball, and has never returned medalists from any Asian Beach Games. And I must congratulate them. I must say, and I must put on record, that the Pakistan Handball Federation is doing a commendable job in the promotion of this game. We that is the pakistan olympic association on our part will continue supporting the federation in its effort to develop and promote handball in pakistan i am confident that the participants have learned valuable information knowledge and skills from this course and will utilize the same to impart this knowledge that they have gained to the Youngsters who are coming into the game, and even to those people who are already in the game. In this particular moment, I wish you all the very best and I congratulate you once again for this wonderful effort. Congratulations, best of luck, and thank you.